For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार हैं। एक्टिंग के अलावा अक्षय एक और चीज के लिए भी खूब जाने जाते हैं। बताया जाता है कि अक्षय जिस रफ्तार से फिल्म की शूटिंग करते हैं उनके कदम से कदम मिलाना काफी मुश्किल है। पर क्या आप जानते हैं इस रफ्तार कुमार ने साल 1994 में एक दर्जन फिल्में की थी। सिर्फ बताने के लिए एक दर्जन नहीं बल्कि सच में अक्षय ने साल 1994 में 12 फिल्मों में काम किया था, जिनमें मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सुहाग, ये दिल लगी, जय किशन, हम हैं बेमिसाल, ऐलान, जालिम, जख्मी दिल, नजर के सामने, इक्के पे इक्का और अमानत जैसी फिल्में शामिल हैं। आज अक्षय कुमार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के साथ बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल एक्टर बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय है हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, और हो भी क्यों ना, आखिर सलमान इस फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत जो कर रहे हैं। और तभी तो सलमान अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को इस फिल्म की रफ कट दिखाएंगे। खबर है कि खान अपने फ्रेंड्स से मिले फीडबैक को फिल्म में शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि ट्यूबलाइट को मिले नॉट सो गुड रिस्पॉन्स के बाद सलमान सोच समझ कर हर एक कदम रखना चाहते हैं। बात करते हैं इस फिल्म की। डायरेक्टर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, जहां सलमान खान और कटरीना कैफ मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है हमें अपने सुझाव बताइए और कॉमेंट करिए।